बिग बॉस सीजन 13 चार महीने के सफर में भले ही टीआरपी की रेस में संघर्ष करता रहा हो, मगर ग्रैंड फिनाले एपिसोड ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कलर्स टीवी के इस सेलिब्रिटी रियलिटी शो के आखिरी एपिसोड को छप्पर फाड़ कामयाबी मिली है। बिग बॉस सीजन 13 पिछले सभी सीजन के मुकाबले सबसे ज्यादा कामयाब रहा। शो के होस्ट सलमान खान ने कई बार इसका जिक्र शो के दौरान भी किया था। 15 फरवरी को हुए शो के ग्रैंड फिनाले को अभूतपूर्व कामयाबी मिली। शो के पूरे सीजन में पहली बार बिग बॉस 13 टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर पहुंचा। बीएआरसी इंडिया ने 15 फरवरी से 21 फरवरी के वीक की रेटिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक इस कंट्रोवर्शियल शो को 10.5 मिलियन यानी करीब करीब 1 करोड़ से अधिक इम्प्रेशन मिले हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 13 टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने जीता था, जबकि असीम रियाज रनर अप रहे थे। वहीं पंजाब की कटरीना कैफ के नाम से मशहूर शहनाज गिल तीसरे स्थान पर रही थी। 30 दिसंबर को प्रसारित हुए बिग बॉस सीजन 12 के फिनाले एपिसोड को 9 मिलियन इम्प्रेशन मिले थे, जबकि बिग बॉस 11 के ग्रैंड फिनाले एपिसोड को 8.4 मिलियन इम्प्रेशन मिले थे। बाग की रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस फिनाले वीक में दूसरे शोज की बात करें तो जी टीवी के शो कुंडली भाग्य दूसरे स्थान पर रहा, वहीं जी टीवी का ही कुमकुम भाग्य तीसरे स्थान पर रहा। सोनी सब का कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा चौथे स्थान पर रहा, तो वहीं कलर्स का सीरियल नागिन पांचवें स्थान पर आने में कामयाब रहा। टीवी से जुड़ी गॉसिप लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएं।